नमाज मगरबैन के बाद मजलिस अज़ा सारी रात जो है अल्लाहुम्मा सल्ले अला मोहम्मद व आले मोहम्मद। शामे गरीबां दे हवाले नाल ऐलान है, शबे अशूर दे हवाले नाल। जिस तरह तुहानूं सारे अज़ादारां नूं पता है कि हर साल इत्थे मजालस नौहानी मातमदारी और शबे अशूर दे अमाल हुंदे ने, उस तरीके नूं कायम रखदे होया साडे शबे अशूर नूं मुलक दे नहायत ही नामवर उलमा ओ ज़ाकरीन खिताब फरमान दे। ये मातमदारी भी होवेगी, नोएहानी भी होवेगी, तो शबे अशूर दे अमाल भी होवन दे। तो मोमनीन वास्ते लंगर का जड़ा है वसी इंतजाम है। तमाम मोमनीन अगे तमास है कि शबे अशूर वाले दिन सब शिरकत फरमान। तो साड़ी तरफों खवातीन भी इल्तमास है कि जो खवातीन जड़िया ने वह भी शबे अशूर वाले दिन शिरकत फरमान। हूँ तो सामने सैयद आसान शाह साहब अपने मखसूस अंदाज फजाइल मोहम्मद वाले मोहम्मद बयान फरमान दे। ये आज शबीए अली अकबर बादशाह का ताबूत बरामद फरमान दे। दुआ मोहम्मद का वास्ता है सैयद ज़िया अब्बास शाह साहब से अदियाबी अता फरमा, सैयद अल्ताफ हुसैन शाह साहब से अदियाबी अता फरमा। रब रहीम जितने मोमिनी यहाँ पे आए मज़लूम करबला की मज़लूमियत का वास्ता है तमाम की नेक शरी हाजतों को पूरा फरमा। रब रहीम रब करीम मोहम्मद वाली साम के हक का वास्ता है, बिलखसूस जितने मोमिनीन मोमिनात खर्च अखराजात इस मजालिस अज़ा के लिए कर रही हैं, अल्लाह ताला उन तमाम के खर्च अखराजात को अपनी बारगाह में कबूल मकबूल फरमाए। आप तमाम का अल्लाह ताला इस मजालिस अज़ा में गम को मनाना, इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने इमाम रज़ा अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि जो हमारी मज़लूमियत पर रोता है, जो हमारी मज़लूमियत पर रोता आंसू बहाता है, उसके गुनाह इस तरह धुल जाते हैं जिस तरह दरख्त के पत्ते गिरते हैं। اللهم صل بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين اياك نعبد واياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين انعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين يا رب العالمين بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله احد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد كذلك الله ربي بحق لي خمسة نطفي بآخر الوال حاتم المصطفى والمرتضى وابناهما والفاتح सलवात। या अल्लाह अवेल आखिर जो असा कर रहे हैं हक अदा नहीं हो सकता। इमाम हुसैन का हक सिर्फ अल्लाह की जात अदा कर सकती है, इंसान अदा नहीं। जितने एहसान तो कोशिश है जितनी है मेरा मालक कबूल फरमा। दुआ सारे मंगया करो, अगले दिन भी थोड़ी मेहनत की थी। आमीन चो कभी भी बुखल नहीं करे। इनके मासूम ने फरमाया कि क्यामत आए दिन अगर कोई दुआ आखे तो कोई बंदा आमीन ना आखे तो उन्हू बखीला शुमार किया जाए। कोई मस्कीन आखे, वड्डा आखे, छोटा आखे, जिस कोई आखे ना दुआ करो तो फौरन दुआ। यानी कि इमाम ने जो तक फरमाया है कि हमारे मोमन को हथियार रखने की ज़रूरत नहीं, क्यों? उसके पास दुआ बहुत बड़ा हथियार। तो थोड़ी आमीन नाल अगर किसी का भला हो जाए तो ये की हरज की? इस्लाम भी आता है, साडा मजहब भी आता है। तो फिर इतने आवी का भी दुआ वास्ते ही है कि हो रहा है लबैद को साडे मोहताज ने, असी मोहताज कबर चो भी इत्थे भी हशर चो भी। टिकटा भी उन्होंने कोल ने, वीजे भी उन्होंने कोल ने, किधे जाना को सब कुछ जी। बिस्मिल्लाह जी।
जी मैं वही करन लगा कि सैयद ज़िया बादशाह तुसी दुआ राती भी की थी मसाइब चो की थी हुन फिर दुआ पे करने हैं उन्होंने सेहत काफ़ी बेहतर है। सारे दुआ करो अल्लाह सेहत कुलियत फरमाए। बाकी जो मरीजान ने सब वास्ते दुआ फरमा दो अल्लाह सब नू सेहत अता फरमाए। अच्छा जिन्होंने इस पाक मिशन न्याजा दितियां ने न्याजा पेश की थी वो बारगाह हुसैनियत जो मेरा अल्लाह कबूल फरमा और तौफीकात जो इज़ाफ़ फरमा। चंद कुतब और कुरान मजीद बाबे मदर शाहरां दिते ने इदारे वास्ते दुआ फरमाओ अल्लाह उन्हां दे जान माल चो बरकत अता फरमाए और उन्हां दी मजहबी तौफीकात इजाफा फरमाए और उन्हां दे मरहूमीन दे दर्जात बुलंद करे। तो आई है बस होर साढ़े बस की है फरियाद कर सकने हैं बाकी करना कौन है। मेरा अल्लाह जड़ा हाथ सीने ते लगता है कि मैं जालम नाल नहीं मैं मजलूम नाल हाँ वो हाथ करी मोहताज ना हो। जड़ी जुबान गदीर दे ऐलान ते कायम है वो जुबान कदी सवाली ना हो। वारस हकीकी का जहूर हो सलवात सारे बहुत थोड़ी आवाज आई है सलवात। हाँ अपने अपने मरहूमीन नो याद करो एक सलवात उन्होंने सवाल वास्ते साढ़े कुछ बहन भाई बेवारस गए जिन्हों का बाद चो पढ़न वाला है ही कोई ना एक सलवात उन्होंने सवाल वास्ते बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अम्मा बादु फकर काला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम हुसैनु मिन्नी व अना मिनल हुसैन। ज़िकदर ज़िज़त हाज़रीन मजलिस शिया सुन्नी भाई हुसैनु मिन्नी हुसैन मुझसे है कि कोई इनफरादियत ना बनी क्यों सारे सैयद रसूल दे विचों ऐ हुण भी जिहड़ी सादात है उन्हां दी पैरी गोडी हाथ क्यों लांदे हो नस्ले बोलदे हो कोई ना मैं पढ़ना की। अच्छा उंज मैंने अगे तुहाडी इतला है मैं जिहड़ा ज़ाकरां पढ़े ना कि मोहर उन्हां दस्सिया बाबा जी आप ही सुनना जे ते आप ही पढ़ना है। मैं कहा मेरी बिरादरी है मैनू केड़ा भार है मैं पढ़ता ना। मैं चुप मजमे च भी पढ़ लेना उंजे भी थोड़ा जहा महसूस होंदा है भी इतने लोग बैठे ने सारे वेखी आउंदे ने बोलता कोई नहीं तो महसूस होंदा थोड़ा। और मैं कोई दादा शाह दा पुखा खतीब नहीं भी सारे बोलो ते अंज करो तो अच्छा हूँ तुम जो सैयद हो तो अन की आख्या जाता है औलादे नहीं औलादे रसूल आख्या जा जिड़ी हजरत अब्बास तो नस्ल चली है वह औलादे अली है क्योंकि अल्लाह ने कुरान फैसला कर दिता सी कि ऐ मेरा रसूल मैं हक रखना रिश्ते बनाने का ए हसन हुसैन जेड़े ना ये आई तो अली दे पुत्र नहीं ये तेरे पुत्र और मुबाला पुत्र बन के गए और इमाम फखरुद्दीन राजी तफसीर कबीर अहले सुन्नत दे चोटी दे आलम ने जैसे ना ही तफसीर दा कबीर है वड्डी तफसीर उन्हें लिखा है कि आयताए मुबाला दे बाद जेड़ा मुसलमान हसन हुसैन नू रसूल दा पुत्र नहीं मनदा वो इस्लाम चो खारज है।
तो असी सैयद जेड़े हाँ असी फातमी हाँ, यानी कि बीबी पाक दे दो निकाह होए सन, एक अरश ते एक फरश। जेड़ा अरश ते निकाह होया उहदे विचो इमाम आए, तो जेड़ा फरश होया सी उहदे चो बाकी सादात। तो हुसैनो मिन्नी ते असी सैयद भी आ गया, असी नस्ले रसूल हाँ, ता ही बंदे गोडी हथ लाते ने, होर कि साड़ियाँ लत्तां चार ने या बाहीं छे या साडा दिता है खांदे। असल चीज है अगली गल, वा अनामिनल हुसैन। इत्थे हुण सारी दुनिया जिहड़ी उह कट्टी गई है, सिर्फ हुसैन रह गया। कोई समझ आ रही है मेरी गल दी कि नहीं? कोई है नाना जिहड़ा जुरत करे आखे मैं दोतरे विचों हाँ? दाद बहुत थोड़ी है, मैं परेशान हूं। कोई है तो करे जुरत, तो अल्लाह का रसूल बयान रहा मैं हुसैन दे विचों आ। और ये भी हदीस मुतवातर है, हुसैन मिनी वाली भी हदीस जिहड़ी है ना, ये आले हदीस भी कायल ने, देवबंदी हयाती ममाती बरेलवी तफसीली शिया सारे कायल। यानी कि इस हदीस से भी किस फिरके ने कदगन उनको मने ना मने इतराज किसी ने किया। हुसैनो मिन्नी जुमला देन लगा ते सारे दादे आ जे, सुभान अल्लाह जज़ाक अल्लाह, सारे आख्या जे हाँ हाँ। तैर हुसैनो मिन्नी ओ समझेगा, इस मिन्नी ने सिर्फ ओ समझेगा जिदा मन सफा है। जे मन च खोट है तो फिर समझ है। जी करबला है ना, इधी आई तो मैं छोड़ी दी कहानी सुनानी कि ये है असल चौकी। कुछ अज हिस्सा सुनागा, कुछ कल सुनागा। मेरे शिया सुनी भाई, तुसी लड़े ज्यादा हो, कट्ठे ना होए, कट्ठे होंदे हो मसाइल का हल मेरे को है सी, मगर तुहाडी नफरत बहुत हो गई है। मौलवियां तुहानू काबू कर लिया, आपो आप वखरा कर, लेकिन मैं तो अपनी कबर ठंडी कर दिया रहनी है, तबलीक कर दिया रहनी। ये असल जो कदीम शहर आई जिहड़ा गर्क हो गया, इस शहर का नाम आई बाबल जी। एक बार तुसी बोलो बाबल। ये मौजूदा जोग्राफी इराक चो है, उस वक्त इराक का वजूद कोई नहीं, उस वक्त बार्डर ही कोई नहीं। और मक्का मौजूदा जोग्राफिया च सऊदी अरब चो है, सऊदी अरब नूं अजे बनिया कोई इतनी सदी नहीं हुई, मेरे ख्याल अजे सदी भी नहीं हुई, हाँ थोड़ा अरसा होया जा जा जा। ए भी तुर्की आई, ए जिहड़ा काबा आया ये तुर्कां बनाया, मस्जिद नबवी है ये तुर्कां बनाई, ए जिहड़ियां उत्थे हजूर दा रोज़ा है वह भी तुर्कां बनाया सी, जिहड़ा बीबी पाक दा रोज़ा गिराया गया है ये भी तुर्कां बनाया सी। सऊदियां ने मुआहदे की खिलाफवर्दी की, हालांकि उहदे मुआहदे लिखिया सी कि जो चीज़ हम बना कर जा रहे हैं उसमें तुम तब्दीली नहीं कर सकते। हुण मस्जिद मौला कोई नहीं, मदीने च वही गिराती, मस्जिद अली गिराती, मस्जिद सलमान फारसी गिराती, मस्जिद फातिमा गिराती, मस्जिद हसन गिराती, मस्जिद हुसैन गिराती। यानी कि वो अपने काम लगे ने, उन्होंने आले मुहम्मद बारे च है। अच्छा फिर ये मैं निकल जाऊंगा तो भी बड़ा लम्मा सफर है, असं ये नहीं आ रही हैं जितों शुरू की थी। गल फुरात के किनारे एक शहर आबाद सी जिसका नाम बाबल।
हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम दा ए शहर। जनाब इब्राहीम मक्के दे नहीं, बाबल दे, और इस बाबल दे शहर दे टोटल छे महल्ले सन, यानी कि महल्ले छे सन। इबरानी जुबान उस वक्त बोली जाती सी, जेडे हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ते किताब नाजल हुई सी सहीफा हज़रत मूसा ते हज़रत इबरानी जुबान जी, आहिस्ता आहिस्ता खत्म हो गई ते उदी जगह अरबी जुबान कुरान दे नज़ूल दे बाद आ गई। थोड़ी थोड़ी अपने मजहब की मालूमत तुहानू ही चाहिए है, नहीं तो फिर मता कोई नहीं, कुछ ना कुछ होना चाहिए है। एक अद्धी किताब मजहबी जरूर पढ़िया करो, किसी अद्धा घंटा पढ़ ली, किसी मुन्ना घंटा पढ़ ली, अपनी आखरत भी जेन च रखनी। सदा तो कोई नहीं रहा, जाने जाना। तू ये छे महल्ले सन बाबल दे, और छे ही मजहब सन, हर महल्ले हर मजहब आए अपने महल्ले का ना अपने मजहब ते रखे है। अजे ते शियां दियां दुकानां चौकियां होंदियां उह लिख दिंदे ने हैदरी चौक, जिते अहले सुनन दियां होंदियां उह लिख दिंदे ने फारूकी चौक सदीकी चौक। तो ये मजहब एक पुरानी शै है जिहदे नाल इंसान नूं प्यार है। मजहब एक ताकत है, उहदा माइक चों फिल बदी तुहानूं समझाना कि मजहब कितनी ताकत। मजहब इतनी बड़ी ताकत है कि तुसी सारे मेरे तो वड्डे हो मैं छोटा, तुसी मेरे तो अमीर हो मैं गरीब हाँ, तुसी वड्डे लोग हो मैं छोटा लोग हाँ। ऐ वेख्या जे मजहब की कितनी ताकत है, मजहब तुहानूं थले पा छड़िया है, मैंने इत्थे पा छड़िया। कोई समझ आ रही है मेरी गल नहीं कि नहीं? मजहब एडी ताकत। चलो मैं तो सैयद हाँ, गैर सैयद भी इतने आ जाएगा। ए हूँ जिस चीज़ ने तुम मेरे सामने दस दिन लिया है, इसका नाम मजहब है। उंज मैं तुम बुला जितने बंदे आने सन कभी भी नहीं सन। तो ज्यो ज्यों मजहब सन उंजू ना महलिया के ना रखे सन। किबला तशी फरमान है साहब इलम ने, मैं तो एक जाकर आदमी हाँ, मामूली पढ़े हाँ, मत अच्छा लोगों के कोल बहना, उन्होंने को सीखना, समय हूँ भी समझना, इस वक्त भी दाढ़ी चिट्टी हो गई है, पोतरे जवान ने, मैं अजे भी सीखना बंद नहीं किया। सादात इलम तो दूर नहीं सी होना चाहिए, क्योंकि अली अलैहिस्सलाम फरमाया सी कि इलम हमारा विरसा है, तो अपनी विरासत नहीं सी छड़नी चाहिए सानू। जरूरी नहीं हुंदा बंदा जाकर मौलवी होवे ते इलम होवे। मेरे दादे होरां पिंडां दे पिंड शिया कीते ने, हालांकि वह जाकर नहीं सन मौलवी नहीं। हाँ हूँ तेरा मजहब सुन लो जी, हूँ ज़्यादा टाइम ना तुहाडा ले लईए। जिहड़े इबरानी जुबान चो जिमें साड़ी उर्दू जुबान च महला आख्या जाता है, पंजाबी गल महला ही आख्या जाता है, हाँ महला ही आख्या। इबरानी जुबान चो महला नहीं सी आख्या जाता, करब आख्या जाता, काफ कशक वाला रे बे करब। उन उत्ते छे मजहब सन, तो हर मजहब ने अपने अपने महल का बोर्ड लाया। जेडे अग की पूजा करते हैं उन्होंने महल का ना आई करबुनार। अला दसो की आख्या है, मैं की मैं ना बनया जी भी अग की पूजा करने वाले का महला। जनाबे सलमान फारसी का प्यू भी आतश परस सी, और ये बड़ा अजीब वाकया जे एक जुमले मैं कर दिया कि जनाबे सलमान फारसी का वालद बीमार हो गया, वो आतिश कदे अग नहीं बुझण देंदे, 24 घंटे अग जल्दी रही।
असी तो दिन चिराग बंद कर देने ना तो बत्तियां भी बंद नहीं उन्होंने अग चलती रही अगली लकड़ी मुक्की नाल और लाती मुक्की बुझण नहीं देनी तो वह कद बीमार होए बुखार होया तो सलमान नूं आखणगे पुत्र वड्डा पुत्र आना मैं सलमान तू आवे ना तो मैनूं बुखार है मैं घर चलिया तो तू है अग बाली रख तो जिले जनाबे सलमान सारिया खिड़कियां दरवाजे बंद कर छड़े आतिश कदे वो जिस सारे खिड़कियां दरवाजे बंद हो गए अग बुझ गए उत्ते रौला पै गया वो नसे भजे बुढ़े अल गए उन्हें कहा मैं पुत्र बहाया उन्हें कहा तेरे पुत्र दा उन्हें यह कर छड़े अग ही बुझा छड़ी उत्ते लाला लाला हो गई वो प्यो बीमार बुखार की हालत चो आया तो उन्हें चंड कड मारी जनाबे सलमान बया क्यों बुझण दी उन्हें कहा अबा चंड होर मार ला तू प्यो है मैं पुत्र हाँ मैं नहीं बुझाई हो सकता जैसे तू आ सारिया खिड़कियां दरवाजे बंद कर छड़े ने तो ये आक्सीजन की मोहताज है हवा की मोहताज है जैसे अग नूं हवा ही नहीं लभेगी तो बढ़ेगी किवें हो सके अबा मुण तू ए पूजा कर जी मोहताज है मैं उन लभना जड़ा किसी का मोहताज ना मेहरबानी यकीन करो मेरे शिया सुनी भाई जनाबे सलमान देस निकाला लिया उस वक्त शाम चो इल्मे नजूम अरूज ते यानी कि नजूमी इत्थे पहुँच गए सन वह दस दिन सन कल की होएगा परसों की होएगा तू खा के की आया ये शाम गया इस पैसे रज दिते नजूमी ने सा क्या मेन हक चाहिदा है कितों लभेगा तो उन्हें कहा तेनू लभेगा यसरब चो यसरब चो मदीना मदीना हजूर ना रखा सी पहले यसरब से यहूदियों का इतने मलकीयत से उन्होंने ही कब्जा से हजूर एक जगह सारी खरीदी सी पैसे दे मुफ्त नहीं सी तो उन्हें कहा भाई यसरब चो लभ जाएगा तो फिर सलमान मदीने आए थे हजूर का चेहरे वेंदे गए थे उच्चा बोले मुझे हक मिल गया मुझे हक मिल गया इन्हें कोई मौजदा वगैरह नहीं वेख ईमान वेंदे ईमान तो बाबल चो पहला महला जड़ा सी उसी करबुनार हुण जरा तावन करो बोलो माना तुसी करो आग दी पूजा ठीक अगो माने तुसे करने मैं सिर्फ लफ्ज़ आखने वक्त थोड़ा करबु शम्स शुक्र है को आखे ते लग गए करबुनार करबु शम्स करबुल कमर करबुल नजूम सितारे की पूजा करबुल असनाम बुतों की पूजा कर हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम दे महल्ले का नाम सी करब अल्लाह क्योंकि हजरत इब्राहिम अल्लाह की इबादत करते सन इस वास्ते ना अपने महल्ले का नाम रखा सी करब अल्लाह हुण जिहड़ा नहीं बोलेगा वह बादशाही करेगा सीना जोरी करेगा बिल्कुल वो हूँ मैनू इंज समझेगा बो कौन है की साडा इस कर लेना करना मैं कख भी नहीं मेहनत ही करनी है लड़िया नहीं जाता मेरे तो किसी नाल लेकिन मेरा हक मैं दे दिया जे जब तक इतने इबरानी जुबान रही ये लफ्ज़ रहा करब अल्लाह जिस वक्त अरबी जुबान आई तो अरबी जुबान की वजह तो लफ्ज़ बन गया करबला को समझ आ रही है मेरी गल दी कि नहीं तो हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम इत्थों गए सन मक्के वाजिब तला इब्राहिम रब्बहू बिकाले माद कुरान का फैसला मैं अपने को थोड़ा ही करना मैं इम्तिहान दे इशक ना दे फिर सरकार इत्थों टुरे ते मक्के गए और हुण नतीजा है कलाम का जी समझ लो दो ही हस्तियां मंजिले इश्के चाहियां इहदी इब्तदा करन वाले दा नां इब्राहिम है मुकम्मल करन वाले दा नां हुसैन इकबाल नूं इह समझ आया मौलवी रन समझ है
किस्मत नहीं है। इलामा इकबाल ने सुना, नहायत सादा और रंगी है दास्तान हरम, इब्तदा है जिसकी इस्माइल, नहायत हुसैन है। बहुत तो मुड़ बजे हाथ उठे पूरा। तो जनाबे इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने कहा मेरा अल्लाह मैं उस मंजिल जो आना चाहना, फरमाया उहदे च मैं देंदा नहीं, उहदे च मैं मंगना। फरमाया तू मंग मैं देंगा। तो जो अल्लाह ने मंगया हजरत इब्राहिम ने देता, मगर अल्लाह ने रखी कोई शय नहीं, माल वापस, जान आगे छाल मारी वापस, पुत्र दे गल ते छुरी रखी वापस। हुण इह गल है मेरी भरा, मेरी गल नहीं पै मन दे ते सुन दे, बजी दी हर शाय वापस हो गई है, उहदी याद 73 फिनका मक्के जाके मना रहा है, ते जिहदी हर शाय कबूल हो गई है। उठे आके फतवे लग, क्यों होया ऐसा, क्यों होया ऐसा, क्या हुसैन साडे नबी दा पुत्र ने? बोलो ताईत करो ना, क्या कुरान दा फैसला नहीं, क्या अल्लाह दा फैसला नहीं? हजरत इस्माइल साडे नबी नहीं, नबी हैं, नबूवत तो इनकार नहीं, साडे नबी नहीं, अपनी उम्मत दे नबी सन। हजरत इब्राहिम साडे नबी नहीं, अपनी उम्मत दे नबी सन। साडे नबी ये जाते मुस्तफा, ते ये क्यामत वाले दिन अल्लाह दे रसूल पूछ लिया बजे दा उमती ना है, उहदे पुत्र दी याद मनांदा रहा है, मेरा तो उमती आ है, मेरे पुत्र दी वारी किधर टुर गया? मेरे को ना खतीब समझाना होंदा है, मनवाना नहीं होंदा, मनी दा खुद दे। ला इकरा फिद्दीन, दीन में जबर है नहीं। माशा बहुत अच्छा अच्छा गुजरिया, फजैल दे हवाले नाल, मसाहिब दे हवाले नाल, सोहना वक्त गुजर गया। पाक कबूल करन कोशिश ही हुंदी है, मैं कोई समाने आखरत बन जाए। अल्हम्दुलिल्लाह, पहली शह केड़ी आई हिजरत, के बाबल छोड़ सफर कर, तेन पता लगे कि सफर कितनी मुश्किल चीज है। ते गए किथे? उचा बोलो सर, मक्के गए। और जो कुर्बानी का देन लगे पुत्र नूं घरों लैके निकले, ते शैतान मरदूत पै गए, पुराना दुश्मन तुहाडा। हाँ हाँ, ओ पहले दिन ही उन्हें मत्था ला लिया सी तुहाडे अब्बे नाल, बाबे आदम नाल, प्यो साढ़े का दुश्मन आई, सानू की समझना। तू जैसे अल्लाह ने कहा दफा हो निकल, मैन मनना है तो मेरे बनाए न मनदा, दफा हो, तू सही जे ना करें तो मैं अल्लाह नहीं, तेरे वोट ना मैन की फर्क पैंदा। चल उन्हें कहा जी जड़िया मैं तिहाड़ियां लाइया ने मेरिया मैन दो, मेरा पे अल्लाह क्या तू आप ही मंग लै, मेरे खजाने की केड़ी कमी है, कल पौकी ना, मैं मंगया ही ते दिता ना। उस क्या पासपोर्ट वीजे तो बगैर मैं जिथे चाह। ये तो दाद तुहाडा मजमा ते देण दा आदी कोई नहीं, ते तुसी भी इन्हां नाल ही रल गए। वह भिरा भिरावां दे सिर दिंदे ने, वह तुसी मेरे भिरा हो, इत्थे मौलवी हो, कुल्ले आल दे रवाज कोई नहीं दाद दा। अच्छा अगो बिरादरी भी डाढ़ी है ना, रोब भी नहीं ना पाण हुंदा, डर भी तो है ना, उत्थे लम्या ना पा लैण, कोई एक मुसीबत। अच्छा साडा माण हो भाई, तुसी कदी सा नौख बने तो सानू माण हुंदा है, मैं साडे पीर हैं, तो माण बड़ी शै हुंदा जी, आसरा बड़ी शै हुंदा है। अल्लाह तुहाडियां जिंदगियां करे खुश रहो।
तुहाडी 24 मिन कबूल है। हाँ कि औखियां कीता जेडे अमन नाल बैठे सन। अच्छा कोई गल नहीं जनाब, कोई गल ये तो प्यार दियां गल्लां मैं करना पिया। दाद इतनी ही होंदी है जिहड़ी दे छड़दे हो, मन लैणा ही दाद। जिस बेटे की कुरबानी का वक्त आया, जनाब इस्माइल नूं अल्लाह ने कहा ख्वाब विच भाई मेरे राह पे, तो थोड़ा जिहा ज़हन बुलंद कर दिया जे दाद ना दे दिया जी गल जाया ना हो जाए। अच्छा जाया हो जाए दुख लगता है, सिर्फ ज़हन बुलंद कर दिया जी दाद दी को नहीं दो। तू शैतान नूं ए इलम आई कि नबी गुमराह नहीं हो सकता मेरे तो, वो सोचन लग पाया भी एक बारी अगे मेरा तीर कामयाब हो गया सी, निशाने ते लगा सी, जदन नूह बेड़ी बनाई आई ते मैं उदी बीवी दे कान्ने फूकिया आई। यानी कि इतना मरदूद वो भी जानता है भाई जिथो जिथो गुमराही की गुंजाइश है। कोई समझ आ रही मेरी गल दी कि नहीं? हाय हाय तू नहीं कह मैं जनाबे हाजरन, तू सीधा आया तो उन्हें दकल बाप की हूँ परदेदार घर से इज्जत वाला घर से वड्डा घर से सरदार घर से सैयदना इब्राहिम अलैहिस्सलातु वस्सलाम पहली सलवात ही हजरत इब्राहिम और उदी हालत। तो बीबी अंदरों ही पूछे मन अंताल अल बाप कौन है, हो सकया मैं एक अरब का बुजुर्ग हाँ औखे सौखे वेले लोगों के काम वो किवें करा, इतों नहीं चुम सकता तुसी पैर अगे करो ना तो मैं थोड़ा पैर चुम। मैं नम्मा भी आख्या आई जैसे वक्त आखिर हुसैन आवी ना तो हुसैन का पैर चुम के ना तो अपनी नौकरी की सनद पक्की करा लें अपनी वफा ते मोर लवा लें। तुसी थोड़ा रोने हो यकीन करो, इतना रोना है पुत्र रसूल का आखन लगे हुण बस भी जा कर अजे रजिया नहीं कितों नौकर सदवान लगे। तू मेरे प्यो का पुत्र है और मेरी मां की दुआ है और तू मेरा माण है। मैं तो पुत्र सज्जाद नूं आख्या मैं तेरा दरबार भी वखरा बनवाना है, उत्ते मैं लिखाना है बाबुल हवाइज ताकि तेरा सवाली अपना होवे, लोग तिथों मंगण के आवां तक। आयतुल्ला मरशी नजफी अल्लाह मकाम हु व नवर अल्लाह मरकद हु, मैं की उन्होंने वास्ते दुआ करनी हो खुद दुआ आ जदन भी हजरत अब्बास के हरम दाखिल होए ने तो जियारत पढ़ते आन तो पढ़ते होंगे अस्सलाम अलैका या हिजाब ज़ैनब। एडा आलम भी फिर तुम शीयन नसीब नहीं हो जेड़े लोग इलम नाल वाबस्ता ने उन्होंने पता है कि मरशी नजफी की हैसियत। बहुत साहब अकीदा मुजतहिद, बहुत साहब इरफान, ये मुजतहिद ने जिस ताला बीबी दे हरम नु मासूमा कुम दिन ताला ला देंदे सन राती ते सरकार आउंदे सन नमाज शब पढ़न ते जिहड़ा ड्यूटी ते बंदा सी वह बाद चो आउंदा सी ते बूहे अगे बैठे रहिंदे सी, उन्हें आना तो उन्हें ताला खोलना ते फिर अंदर दाखिल होना। एक दिन आए ते लेट हो गया नौकर ते जेन जो ख्याल आए उन्हें बस जनाबे मूसा दी अम्मा दा नां लिया ताला खुल जांदा है। हाँ जी पता है एक बार दस चढ़िया बादशाह। अच्छा यकीन करो इस मंजिल ते शख्स पहुंच गया
तो कहता हुसैन की माँ का ना लिया ताला नहीं खुलेगा। तो बीबी पाक अगे इस्तगासा किया ताला खुल गया। इस दर्जे का पाया दा मुज्तहिद जिस ते कौम नो फख्र करना चाहिए। 5 लख किताब अपनी अखा नाल पढ़न वाला, 5 लख किताब ना लेना भी औखा है। वो सारी जिंदगी पढ़ते हैं अस्सलाम अलैका या हिजाब ज़ैन। तो फिर मैं पैर अगे करो ना मैं तुहाडा पैर चुमा। फिर मैं नहीं तू पैर ना चुम तू मैं नहीं इत्थों चुम तू मैं नहीं इत्थों चुम। आंदे ने हुक्म हो दियो जिहड़ा मेरे वस च है ये मेरे वस च नहीं। क्यों? ये बतूल दियां दियां दी बोसागा है। इत्थों बतूल चुमे इत्थों बतूल दियां दियां चुम। मैं ते नौकर हाँ ना। शायद पूरे मजमे 2-3 बंदे रह जाण जिहड़ां दी हंज ना आवे, नहीं तो मैं कसम देना चीखा निकल जाणगियां। जैसे कहना ना मैनूं पैर दियो मैं पैर ही चुमना है। मैं नौकर हाँ इमाम हुसैन दे। हुण मैं इमाम बन के हुक्म दे ना अखी खोल सरकारे वफा अखी खोलियां। फरमाए मैं इमाम बन के हुक्म देना मेरे लो वेख। जैसे अब्बास वेख्या फरमाया 32 साल हो गए नहीं ना मैं नौकर हाँ मैं नौकर हाँ मैं नौकर हाँ। कदी मेरिया भैणा ने नौकरां दे कपड़े धोंदियां वेखिए? और तू मौसम की जगह ते जड़ा मुसलमाना मार छड़िया है। आका क्यों आए हो? फरमाया तेरी लाश चाहूं। ओए ऐह तड़प गया बस। कहन लगे लख वारी जाओ मेरी जरूरत नहीं मैं आखा ना चाहो। मगर एक सवाल का जवाब दे दो जिससे तुसा शहीद होना है तुहाड़ी किसे चाहनी? फरमाया लाशा अपने चाहते ने मेरा राणा ही कोई नहीं मेरी कह चाहिए। तो फरमाया मन माँ का वास्ते ही मेरी वफा ते हरफ आ जाएगा। यह सिलसिला क्यामत चलना है। जाकर मिमरां ते पढ़न गए अब्बास की लाश चवी गई हुसैन भी पही रही तो मेथों बर्दाश्त। हजरत अब्बास की लाश ते वैण भी नहीं हो यार मोहर माड़े ने क्योंकि ये खैमे जले ओ मकतल गाए एदे फुरात आई। सरकारे अब्बास की लाश आई फुरात ते इतों इन्होंने सहीजादियों ने कैद किया तो इतों अंज गुजार के कूफे लै गए। लिहाजा वापसी तो जन जना भी सज्जाद फुफियां लैके आए ने तो पूछा फुफी अम्मा पहले किदी कबर ते जाना? फरमाया मकतल गाह च मैं सारियां दा एक वैण किया या जद्दा हो सला लै कलावा बनाया तो समाया। इस सब तो वड्डी गल हदीस की तारीख की किताब है जिहदे विच इहनूं होया लिखे अलबदाया वन नहाया की 6वीं जिल्द बाबे करबला च इहनूं होया लिखे है मतबा लबनान। ना कोई मन्ने तो जिद्दा ते इलाज है रसूल की धी दे 17 अशार ने जिहड़े इत्थे पढ़े नोया पूरा विचार बीबी मातम करके पढ़े। तो फरमाया मैं ना साल पूरा दुख रहा है कि मैं अब्बास का वैण नास कर सके। वो सड़िया मनता रहा अपनिया दिले च लै गया। मेरा पुत्र हूँ मैंने बाबे की कबर ते बाद दे ले जा ते पहले मैंने चाचे अब्बास की कबर। तो ये जड़िया मस्तूर आन 20 बच्चिया सन या बाकी रस्ते च शहीद हो गई कुछ रस्ते हैं कोई शाम है कोई कूफे करबला तो लैके शाम तई कब्रस्तान है शहीदा। तो सरकारे अब्बास करबला दी जितनी भी लोग उत्थे मौजूद सन उन्हां नाल कद वड्डा आई अमीर हमजा जनाबे हाशम जनाबे हाशम दे बाद फिर जनाबे अमीर हमजा का कद बहुत वड्डा सी और फिर हजरत अब्बास का कद। लेकिन एक अलग बात है कि जैसे हजरत अब्बास इमाम हुसैन दे कोल खलोंदे सन तो हजरत अब्बास का कद अपने आप छोटा हो जाता दराज कद सन लम्बिया रकाबा सन घोड़े दी
लेकिन जदन जनाबे सज्जाद फुफिया लैके मावन लैके बहणा लैके जिहड़ियां बच गई जनाबे अब्बास की कबर ते आए ते हजरत अब्बास की कबर इतनी है एज अमेज है ना इतनी कबर है। तो जनाबे जैनबाद ने पुत्र मैं तो तेन आख्या ही मैंने चाचे अब्बास की कबर ते लै ईत किसी बच्चे की कबर है हुण तुहाडा दिल दुखना है पर मैं माफ़ी मंग लेना मेरे अगे अल्लाह का कुरान पिया मैं माफ़ी मंग के पढ़ना जरूर है छुपाना नहीं मुजरम बनना नामी मुहर्रम की रात है। जनाबे सज्जाद फुफी दा हाथ चुमके आंदे ने फुफी एक बारी पुछ लिया है ते दूजी बारी ना पुछया नहीं ते पुत्र मर जाएगा। मैं तेरा मुहर्रम नो पूरी कर बला फोली है मिन चाचा लद्दा ही इतना है जेड़ा मैं जाके दफना शियां दे घर का नुकसान नहीं होया एवें गलतफहमी बन गई कोई शियां का नुकसान ना 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 आले रसूल ए मुहर्रम का पैगाम है ए मुहर्रम की पढ़ाई है कि लोगों को दस्या जाए भी होया कि होना उधर वापस फिर हूँ वहन पढ़िए टाइम सवा सत्त हो गए ने हूँ तुहाडे लो देर है मेरे लो देर कोई नहीं। कितनिया लाशा नहीं चाहिया उचा बोलो दारा केड़िया केड़िया ओनो मुहम्मद हजरत अब्बास ठीक ये त्रै नहीं चाहिया ते सब तो औखी केड़ी चाहिए जिन्हें समझ आ गई आ गई जिन्हें नहीं आई मैं गोश गुजार कर देना जी अली अकबर बिल्कुल सही फरमाया तुसा बिल्कुल ये कोई शको शुबे ही नहीं बिहारुल अनवार जो इलामा मसीह रामा हजरत अली अकबर की शहादत जो लिखते हैं कि वैद शहीद है जिदी लाश ते रसूल का पुत्र टुर के नहीं आया जिसे कोड़ा है ने ना पहला जुमला ही दिल हिला देगा तो जड़ा सोहना माहौल बनाया पहला जुमला ही पूरे मजमे ने अपनी लपेट चो ले लाएगा और इतना असर हो जाएगा जिसे आए ना अकबर जी बाबा बेटा मैं औखा आया अखे बाबा मैं वेख रहा बाबा तुसी क्यों आए हो दो सान निकल जाने क्यों एडे औखे हो ते बाबा जनिया मैं हाँ इम्तिहान मैं नहीं आता लेकिन जुमला मातम जी फिर उन्होंने कोई ना करे तो लड़ाई तो कोई नहीं वैसे जुमला है मातम दा है बाबा जनिया मैं हाँ मिट्टी द्वाडे चेहरे ते इमाम हुसैन आंदे तू कितनी बारी जने है अके बाबा मैं एक बारी जने हाँ फरमाया मैन कसम है तेरी बेवक्त मौत दा तू एक बारी जने है मैं खैमे तो लाए के तेरे तक हर कदम ते मुंह दे बाहर शामी ते कूफी मेरा मिजाक उड़ाते औ दादा इब्राहिम आया है औ दादा इस्माइल आया है उन्हें रस्सी भी पट्टी ले आई मैं पुत्र तेन रस्सी नहीं बननी ते मैं पट्टी नहीं बननी तू मेरे लो रज के वेख मैं रज के तेन वेख लवा प्यो पुत्र एक दूजे दे आशक हाँ असी वेंदे रवांगे ते मैं तेरे सीने चो फल फरमाया दादा इब्राहिम भी आए ने दादा इस्माइल भी आए हुए ने ते दादी हाजरा नहीं आई भी आए फिर मैं बाबा ये दसो हाँ जन दादे इब्राहिम दादे इस्माइल दे गल ते छुरी रखी आई ते दादी हाजरा सलामुल्ला लाया कितने आई अखे उन्होंने कोई ना ही पता वो घर आई फिर मैं बाबा जिमें दिल ही फल कढ़ी मगर मेरी एक हसरत पूरी कर मेरा दिल ये फल पिया निकलता होवे ते वेखण वाली मेरी माँ सामने है और मैं सदके
मैं सदके अकबर दी अम्मा जी बिस्मिल्लाह ज़हरा दा जन्म फरमाया जरा सामने होवे ना मैं तेरा शुक्रिया अदा करा नाले तेरे पुत्र दी ख्वाहिश फरमाया सिर्फ सामने होवा या बुरका पा के कोल लगी हाँ फरमाया नहीं जब तक मैं ना आखा कोई मस्तूर खैमे चो बाहर ना अकबर तैयार बाबा तैयार बेटा हलना नहीं बाबा वादा होया नहीं हलांगा सदाते उदाम मोमनी ने कराम माफ कर दिया जे तकलीफ होवे गुस्सा ना करे इमाम हुसैन ने कात रखे पुत्र दी छाती ते दूजा हाथ पाया फल बरछी दिन सैयद हिलावा दिता है जमीन हली है फौरन अकबर बोल गए बाबा वेख लो मैं नहीं हलिया जमीन फरमाया मेरा पुत्र जमीन नहीं आसमान दूजा हिलावा दिता नबियां दियां चीखां निकल गईयां वलियां दियां चीखां निकल गईयां तीसरा हिलावा दिता फल बाहर आया जवान दा जिगर भी नाल आया पुत्र दी छाती जो खून चश्मा बन के उबलिया अज पुत्र दी छाती दा खून लैके चेहरे ते मलिया उस सारे नबी ते वलियां दे नाओ टुर चलीए असी होर आं मरहबा मरहबा अकबर जी बाबा बेटा एक सवाल दा जवाब दियो खां तकलीफ तुहानूं बड़ी है मेरा पुत्र तेरा सीना फट गया हद दे पुत्र प्यासा भी है अकबर एक गलत दस मिन्नत कौन करता फरमाया बाबा या मजलूम होवे या मजबूर होवे फरमाया तेरा बुढ़ा प्यों हाँ लाशां चा चा के मुक गया लूडा बड़ा आस दे नौखा आ गया पुत्र मैं तिन चाणा है मेरी हालत भी वेख लै ए मेरे जख्म भी वेख लै ते थोड़ा जिहा बुढ़े प्यो ते एहसान कर ऐ जिहड़े तू हाथ इत्थे नहीं रखे ए जख्म ते सिर दर्द होवे ते फड़ लईदा इस तरह ते ऐ जिहड़े तू हाथ इत्थे रखे पुत्तरे कदी चाह के मेरे गले च पाए कुछ आसरा तू कर कुछ हिम्मत मैं करा ते मैं तेन खैमे लै जा वाह बाबा दर्द बहुत ज्यादा बाबा दर्द बहुत ज्यादा फिर मैं तेरे ना पुत्र वादा करना ए जरा तू कम हाथों तो पिया लेना है ना अज माहौल एडा सोहना बनया पिया रिकत अमेज के ए जुमला अक्सर मेरा खाली जाता जरा मैं पढ़न लगा अज उम्मीद नहीं जाएगा अज बिल्कुल जुमले का हक अदा हो जाएगा जेडा सोहना माहौल बन गया जी नज़र आ जाता पता लग जाता है खतीब नूं पंजाह साल का तजर्बा है फिर मैं पुत्र इतों तू हाथ चाहे ना तेरे हाथ चाण चो देर होगी मैं फौरन तेरा सीना अपने सीने नाल आ लाँगा और मेरा पुत्र मैन बड़ा ही फायदा होगा लो जनाब हूँ यह जुमला है जदन कभी याद आवे सी डी लाओ टेप लाओ तो मैं दुआ दे दिया जे मेरे बच्चे जेडे पढ़ते हैं पै दरसे चुनन दुआ दे दिया जे जरी पाक की दुआ करे जे बन जाए किसी का मोहताज ना होवा सैयद ज़िया शाहरा मेरा अल्लाह सेहत कुलियत फरमाए बारह तो एक पढ़ागा मैं बारह मुहर्रम ऐलान मैं खुद कर चलिया कुल दी मजलिस बारह तो एक बारगाह च होएगी तशीफ लिया जे दुआ मंगन सारे बारह तो एक बारह मुहर्रम हूँ समझ आ गई सब ठीक कल फिर ऐलान कर पुत्र जुमला आ जाए बस वड्डा जुमला ही आईदा मुसाहिब दा जिहड़ा हुण मैं पढ़ना मेरा पुत्र तेरे हाथ चाण चो देर होगी मैं जोर ना तेन लाँगा अपने सीने नाल तेरे हाथों का कम मैं करांगा ते बाबा दुआने दे नाल कोई फायदा होगा
फरमाया बड़ा फायदा होगा, तेरा दिल धड़कता रहेगा तो मैं उस आसरे से टुरदा रहा। आइए हंज के नहीं है जी, मंजूरी नाल गल्लां होंदियां ने कि जिस साईं मंजूरी देंदे ने सब कुछ हो। लो जनाब वैण करिए, ताबूत जनाजा किस पासे आएगा जी? अच्छा इत्थों आएगा, ठीक। सलाम करे जे दुआ मंग के जाए। लो जनाब तुहाडे लो देर मेरे लो कोई नहीं, सिर्फ तुहाडी निगाह मैनूं चाहीदी है। ए अली अकबर उंगलियां चुंगलियां पाइया, ए प्यो दे गल इमाम हुसैन अपनी बाई अकबर की कंठ थे। शिया सुनिया ओ जिमें कारी अगे कुरान आंदा, इंज अकबर दा मूह हुसैन अगे। जिहड़ा बंदा शिया है शिया दे घर जमया है, मां दी झोली जुमैले सुन लग, वो भावें अमीर है भावें गरीब है भावें वड्डा है भावें छोटा, ओदे मूह चो हाय ना निकली मैं दुख लैके टुर जाऊंगा, मैं जुमला क्यों बढ़िया। शिया मैन कसम अब्बास दे कटिया बाजुआ, मैं किताबा चिंजे पढ़िया है, टुरदा एक कदम चुमदा नौ वारी। जवान दा मातम ना कर दे, मातम भी कर ली अली अकबर। गरीब हाँ मगर सैयदो मेरे भिराओ, जेड़े आजादार हो वह भी मेरे भाई हो, मेरी थोड़ी जी मदद कर दियो, मेरे नाल बोलो। केड़ी गल, टुरदा एक कदम आखो ना, टुरदा चुमदा ते जेड़ा नहीं रुन्ना हुण रो लव्या, हर बोसे नाल वैन करके आदाए, रुत मेरी आई टुर तू। चुमदे आंदे टुरदे आंदे, चुमदे आंदे टुरदे आंदे, सजे मोड़े नाल आवाज आई, मैं तेरा बाबा लिया, असा शरीयत बनाई आई, प्यो पुत्र दी लाश ना जाए। और आमिन दे आवाज आई, बाबा वो नबी आन जेड़े तेन बुलांदे रहे, बाबा आ गया है ते दस खैबर दा दर जाना है, औखा है या लाश है अकबर जा। ओ मैं सदके सैयद अगे टुरिया, अकबर दी अखी बंद हो, अकबर दे सा उखड़ गए, माओ दियां हिचकियां शुरू हो गई। सैयद मुंह चुमके आंदा है, जल्दी ना करी, मैं बहना नाल वादा कर आया। उस वेले अकबर दे हाथ प्यो दी गर्दन चो छुट गए, आवाज आई, बाबा तू अपनिया नाल कर आया है, मैं अपनी। ओ मैं बहना दे परदे कुर्बान, ओ मैं धीया दे परदे। अकबर दे हाथ छुट गए, पुत्र रसूल दा मुंह दे बाहर झणे, फिर उठिया है फिर झणे, फिर उठिया है फिर झणे। ये दो अकबर दे चेहरे ते माओ दी जर्दी आ गई, सैयद वेख्या है मेरा जींदा नहीं पहुंचदा, लयाओ भी जनाजा मेरे मौला दा, मैं आखरी वैन पढ़न लगा। सैयद टिब्बे दी टेक लईए, टिब्बे दी टेक लैके अकबर दा मुंह चा खैमे हल कीता है, ते इशारा करके आंदे ने जिना मिलना है। जनाजा लयाओ भाई मौला दा, ओए मेरे अकबर नो हुण जल्दी बाहर आओ, ओ मेरा नहीं बचदा ओ दा।
ਦਿਹਾੜੀ ਲਾਂਦਾ ਇੰਦੀ ਤਾ ਤੁਲਹਨਾ ਗਵਲਾ ਹਰ ਪੁੱਤਰ ਮਾਂ ਦੇ ਪਿਆਰ ਦੀ ਦੌਲਤ ਮਾਂ ਪੁੱਤਰ ਭਲੇ ਨੀਏ ਮਰ ਗਏ ਉਹ ਨਹੀਂ ਜਿੰਦੀ ਜੈ ਮਾਂ ਦਾ ਬਚੜਾ ਥੀਵੇ ਕਤਲ ਜਵਾਨੀ ਸੇਰੇ ਬਣਦਿਆਂ ਪੁੱਤਰ ਕਹੀਂ ਦੇ ਇਹ ਖਾਕ ਜੀਵਣ ਉਸ ਮਾਂ ਪਿਓ ਦਾ ਜਿਹਦੇ ਪੁੱਤਰ ਮਰਨ ਪਰ ਨੀਂ ਦੇ ਜਿਨਾ ਮਿਲਣਾ ਏ ਓਏ ਮੇਰੇ ਅਕਬਰ ਨੂੰ ਹੁਣ ਜਲਦੀ ਮਾਹਿਰ ਆਓ ਉਹ ਮੇਰਾ ਨਹੀਂ ਬਚਦਾ ਮਾਤਮੇ ਹੁਸੈਨ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਲੁਟਾ ਕੇ ਬੈਠਾ ਤੋਰਾ ਦੇਖੇ ਮਹਿਰਾਜ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਲੁਟਾ ਕੇ ਬੈਠਾ ਤੋਰਾ ਦੇਖੇ ਮਹਿਰਾਜ ਡੇਰਾ ਵਿੱਚ ਮਾਲਕ ਦੇਂਦਾ ਮੈਡਾ ਬੱਚੜਾ ਸੰਭਲ ਸੰਭਲ ਕੇ ਵੰਗ ਮਜ਼ਲੂਮ ਹੁਸੈਨ ਨੇ ਵੈਣ ਕੀਤਾ ਮੈਡਾ ਬੱਚੜਾ ਸੰਭਲ ਸੰਭਲ ਕੇ ਵੰਗ ਮਜ਼ਲੂਮ ਹੁਸੈਨ ਨੇ ਵੈਣ ਕੀਤਾ ਭਾਈ ਵਸ ਦੇ ਬਾਹਰ ਤੇਰਾ ਦੇ ਦੇ ਬਾਹਰ ਤੇਰਾ ਦੇ ਡਾਢੇ ਬਰਸਾਤ ਅਲੀ ਅਕਬਰ ਤੋਂ ਅਕਬਰ ਕੁੱਲ ਕਾਇਨਾਤ ਦਾ ਹੈ ਮੈਂ ਕੁੱਲ ਕਾਇਨਾਤ ਅਲੀ ਅਕਬਰ ਤੋਂ ਅਕਬਰ ਕੁੱਲ ਕਾਇਨਾਤ ਦਾ ਹੈ ਮੈਡੀਕਲ ਕਰਨਾ ਤੇਰਾ ਲਈ ਅਕਬਰ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਲੁਟਾ ਕੇ ਬੈਠਾ ਤੋਰਾ ਦੇਖੇ ਮਹਿਰਾਜ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਲੁਟਾ ਕੇ ਬੈਠਾ ਤੋਰਾ ਦੇਖੇ ਮਹਿਰਾਜ ਡੇਰਾ ਕਾਇਨਾਤ ਦਾ ਹੈ ਮੈਡੀਕਲ
अली अकबर तो अकबर कुल कायनात दा है बड़ी कुल कायनात अली।